अभी तक हमने जेईई मेंस 2020 का एक पेपर डिस्कस किया है और वो है 7 जनवरी का जो मॉर्निंग सेशन वाला जो पेपर है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब 7 जनवरी का जो इवनिंग सेशन वाला पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। उसमें फिजिक्स का जो पेपर था उसका ये पहला सवाल है। इसमें कहा गया है स्टेशनरी ऑब्जर्वर रिसीव्स साउंड फ्रॉम 2 आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉक्स, one of which approaches and the other one recedes with the same speed, having much less speed than speed of sound. The observer hears 2 beats per second. The oscillation frequency of each tuning fork is 1400 Hz and the velocity of sound in air is 350 m/s. The speed of each tuning fork is close to, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। तो ये जो भी क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। पहले मैं इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझाता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है ना, ये रेस्ट पर है, इसके दोनों साइड में एक एक ट्यूनिंग फॉर्क है, दोनों ही आइडेंटिकल है, दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो 1400 हर्ट्ज ही है, 1400 हर्ट्ज इसका फ्रिक्वेंसी भी है और इसका फ्रिक्वेंसी भी 1400 हर्ट्ज है, ठीक। एक जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो जा रहा है इस ऑब्जर्वर की तरफ, है ना। इसको वेलोसिटी ऑफ सोर्स कहा जा सकता है क्योंकि ये सोर्स का काम कर रहा है, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, जितने वेलोसिटी से ये चल रहा है उतनी वेलोसिटी से ये चल रहा है। अब ये जो ऑब्जर्वर है दोनों तरह से साउंड सुनेगा, इसका साउंड भी सुनेगा, इसका साउंड भी सुनेगा, दोनों की फ्रिक्वेंसी इसको डिफरेंट सुनाई देगी, है ना। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं बीट्स, है ना। यहाँ कहा गया है कि 2 बीट्स पर सेकेंड उसको सुनाई देते हैं, यानी दोनों की फ्रिक्वेंसी जो ये सुनता है उनका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो हमें बताना है ये ट्यूनिंग फॉर्क्स की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, यानी वी हमें फाइंड करना है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन है इस ट्यूनिंग फॉर्क का इस ऑब्जर्वर का, उसके लिए डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि जो फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी होता है ν0, और जो फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया है, वीडियो लेक्चर में बताया, मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, VO/V - VS। ये फॉर्मूला होता है, इसमें प्लस साइन नहीं होता, है ना, माइनस साइन होता है। और हम लोग इसमें एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि साउंड जिस डायरेक्शन में जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और साउंड का उल्टा को निगेटिव लेते हैं। साउंड सोर्स से निकलेगा और ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है वो तो ν0 है, साउंड का वेलोसिटी v ले लेते हैं, है ना। ऑब्जर्वर इसमें स्टेशनरी है तो ये तो 0 हो गया। सोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर Vs लिख सकते हैं, ठीक। यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। दूसरे केस में फ्रिक्वेंसी मैं ν2 ले लेता हूँ, है ना, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है ν1, ठीक। तो यहाँ पर भी साउंड का स्पीड सेम रहेगा, ऑब्जर्वर इस कॉम्बिनेशन में भी, ये ऑब्जर्वर ये सोर्स, इसमें भी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो 0 वेलोसिटी, और सोर्स जो है देखेंगे यहाँ पर साउंड इस ट्यूनिंग फॉर्क से निकल करके इस ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा ऐसे, तो साउंड के वेलोसिटी जो होती है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, उसका उल्टा को निगेटिव लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ जो सोर्स है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे इस फॉर्मूले माइनस 1 पहले से है और ये भी निगेटिव में आ गया ऐसे, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये आया ν0 × V/V + VS, ये आ गया दूसरे वाले केस में फ्रीक्वेंसी, ठीक। ऑब्वियसली जो ν1 है वो इससे ν2 से ज़्यादा आएगा, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा, दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग कहते हैं बीट्स, बीट्स पर सेकेंड। वो आएगा ν1 - ν2, इसमें से ν1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में है ना, ν1 × V भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/V - VS - 1/V + VS, ये होगा। तो न्यू नॉट इंटू वी, यहाँ पर एलसीएम आएगा वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, वी प्लस वी एस माइनस वी प्लस वी एस, ये हो गया। अब देखेंगे कि ये जो v है और ये v कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ पर आया न्यू नॉट इंटू वी इंटू वी, टू वी एस आएगा, ए वी एस एक ये है तो टू वी एस डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस वी एस, है ना, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्पीड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज मच लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि ये स्पीड ऑफ साउंड है और ये स्पीड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये बहुत छोटा है तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, है ना, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो बीट्स कितना आएगा, बीट्स क्वेश्चन में दिया है 2 बीट्स पर सेकेंड, ये आ जाएगा इतना 2 न्यू नॉट, वी और वी कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 न्यू नॉट इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी, तो इसमें से 2 कैंसिल हो गया, इसमें पूछा गया वी एस, तो वी एस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वी बाई न्यू नॉट, है ना। तो वी जो है वो दिया गया है क्वेश्चन में देखेंगे 350 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड, और ये जो फ्रिक्वेंसी है ये दिया गया है 1400 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 1/4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर है।